चलो देखो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे आकार आकार के लिए ए लगाते हैं कोई भी हिंदी मैसेज हो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले ये मात्रा याद कर लेना है आकार के लिए ये लगाते हैं हर्षिकार के लिए आई दुर्गिकार के लिए डबल ई हर्षुकार के लिए यू दुर्गुकार के लिए डबल ओ ए कार के लिए ई आयकार के लिए ए आई ओ कार के लिए ओ आवकार के लिए ए यू और अनुस्वार के लिए ए एन और आविस्वार के लिए ए एच ठीक है तो इतना सा ही याद रखना है बाद बाकी कोई भी मैसेज टाइप करना हो हिंदी में हिंदी मैसेज है उसको इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं समझ में आ गया तो यहाँ पे जैसे भगवान लिखा है भगवान सबके पिता है तो भ के लिए सबको पता है बी एच होता है ठीक आगे अगर अक्षर आता है कोई भी भ के बाद तो उससे पहले ए लगाते हैं तो भ के लिए बी एच हो गया आगे अक्षर है ग इसलिए ए लगाएंगे ग के लिए जी वा के लिए भी फिर आकार के लिए यहाँ पे ए और नौ के लिए एन भगवान सबके सौ के लिए एस ए ब के लिए बी और क के लिए के ए के ई सब के पिता हैं। पिता के लिए प के लिए पी और यहाँ पे देखिए हर शिकार के लिए आई लगा है यहाँ पे हर शिकार है तो पी आई त तो के लिए टी और आकार के लिए ए पिता है के लिए एच के लिए ह के लिए एच और आयकार के लिए यहाँ पे देखिए ए आई तो है के लिए एच ए आई है भगवान सबके पिता है सदा सच और मधुर बोलो तो उसी प्रकार से सौ के लिए बनाएंगे सौ के लिए एस ए और द के लिए डी होता है और यहाँ पे आकार के लिए फिर ए लगाएंगे सदा सच सौ के लिए एस एच और चौ के लिए सी एच सदा सच और, और के लिए औ के लिए क्या लगाएंगे ए यू औ के लिए ए यू और र के लिए आर सदा सच और मधुर बोलो म के लिए एम और एम ए ध के लिए डी एच और हर्सूकार के लिए यू और आर के लिए रॉ रॉ के लिए आर सदा सदा सच और मधुर बोलो ब के लिए बी और ओकार के लिए देखो यहाँ पे ओकार के लिए क्या लगाएंगे ओ और एल के लिए लॉ और ओकार के लिए ओ सदा सच और मधुर बोलो हमेशा अच्छा काम करो तो इसको उसी प्रकार से बना देते हैं हमेशा के लिए ह एच ए एम ई एस एच ए हमेशा अच्छा ए डबल सी ए सी एच सी डबल एच ए अच्छा काम करो काम करो मेहनत से सफलता है मेहनत मौ के लिए एम ए कार के लिए ई e, लिए एच नौ के लिए एन ए और त के लिए टी मेहनत में म के लिए एम और ए कार के लिए ई e, मेहनत में सफलता है सौ के लिए एस ए फ एफ और के लिए एल एल और टी ए सफलता है के लिए एच ए आई इस तरीके से हम अगर ये खाली मात्राएं याद कर ले और आकार के लिए ए हर्षिकार के लिए आई इतना ही याद कर ले तो हम कोई भी हिंदी मैसेज को हिंदी कोई भी हिंदी शब्द को इंग्लिश में इस तरह से बना सकते हैं धन्यवाद